भुवनेश्वर के 4 कर्मी ओडिशा आपदा रैपिड एक्शन फोर्स और 2 स्थानीय टेलीविजन समाचार दल शुक्रवार सुबह ओडिशा के महानदी पर मुंडली बैराज में फंसे एक हाथी को बचाने की कोशिश करते हुए एक नाव दुर्घटना में बाल बाल बच गए। बचावकर्मी तेज धाराओं में फंस गए और अचानक उनकी पावर बोट का इंजन खराब हो गया। सभी फंसे हुए लोगों को रस्सी की सीढ़ी का उपयोग करके सुरक्षित बाहर लाया गया और उन्हें कटक के SCB मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया। बचाए गए सभी लोगों को इलाज के लिए कटक के SCB मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया है। पर इस हादसे से एक रिपोर्टर का मौत हो गया। उसका नाम अरिंदम दास है। वो ओडिशा के अच्छे रिपोर्टर था। उसका देहांत से सारा ओडिशा राज्य दुखद में है। 3 घंटे से अधिक समय तक टस्कर बैराज में फंसा रहा। हाथी ने कई बार किनारे पर तैरने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। बचाव दल मुश्किल से टस्कर के पास पहुंचा ही था कि अचानक फिसल गया। जंबो अब तनावग्रस्त है। इसका वजन 2 टन से अधिक है और इसे रस्सी या क्रेन का उपयोग करके उठाना मुश्किल होगा। हम बस इतना कर सकते हैं कि पानी की धाराओं के माध्यम से बातचीत करने और किनारे पर आने के लिए जानवर की प्रतीक्षा करें। NDRF की टीम भी आ गई है और वे स्थिति का आकलन करेंगे, संभागीय वन अधिकारी चंदका वन्यजीव अभयारण्य MD जमील ने कहा।